खबर आ रही जयपुर से। सचिवालय अधिकारी संघ का मतदान जारी है। कोरोना दिशा निर्देशों की पालना यहां पर हो रही है। छगनलाल, मेघराज पवार, राजेंद्र जोशी, शिवजी राम जाट, सुलेख खास सिंह इसमें प्रत्याशी है और 405 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो मतदान है वो जारी है। सचिवालय अधिकारी संघ का कुल 405 मतदाता अपने मत का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं। शिवजी राम जाट, सुलेखा सिंह प्रत्याशी इसमें। इसके अलावा तो सचिवालय अधिकारी संघ का मतदान जारी है। सचिवालय अधिकारी संघ के मतदान में 405 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना दिशा निर्देशों की तमाम जो प्रोटोकॉल है पालना के साथ मतदान। छगनलाल, मेघराज पवार, राजेंद्र जोशी इसके अलावा शिवजी राम जाट और सुलेखा सिंह इस पद के लिए प्रत्याशी। 405 मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं और बता दें कि सचिवालय अधिकारी संघ का जो मतदान है वो जारी है। कोरोना की एडवाइजरी और प्रोटोकॉल की जो पालना है यहां पर इन मतदानों में देखने को मिल रही है। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए जो कोरोना के संबंध में प्रोटोकॉल सने भी है उनका ध्यान रखते हुए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सचिवालय अधिकारी संघ का मतदान जारी, 405 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना यहां पर हो रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, सचिवालय अधिकारी का जो पद है संघ का उसमें मतदान फिलहाल जारी है, कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है, अधिकारी संघ के मतदान में फिलहाल क्या जानकारी? जी, यदि सचिवालय के अंदर आज सुबह से ही 11 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। सचिवालय अधिकारी संघ का यह मतदान हो रहा है और आज शाम 4 बजे तक यह मतदान होगा। और मैं आपको बता दूं इस मतदान के अंदर पूरे तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं, साथ में बात पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि किसी प्रकार से कोई भी अनहोनी नहीं हो, ऐसे में तमाम जो जाप्ता यहाँ पे मौजूद है और तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे नजर आ रही है। और कोरोना के जो दिशा निर्देशों की बात की जाए तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ में यहाँ पे चुनाव करवाए जा रहे हैं और जो प्रत्याशी है जो चुनाव फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सभी प्रत्याशी जो है चुनाव परिषद में यहाँ पे थोड़ा सा दूर उनको रखा गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो प्रत्याशी है छगनलाल है, मेघा पवार है, राजेंद्र जोशी है, श्रीजी राम जाट है, सुलेखा सिंह है, ये यहाँ पे जो है ये चुनाव के प्रत्याशी हैं। और कुल मतदाता यहाँ पे 405 जो मतदाता है चुनाव प्रक्रिया के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। शाम को 4 बजे तक ये पूरा चुनाव होगा, उसके बाद में ये इसका रिजल्ट जारी होगा। जी जी, चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।